हाय एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी अभी ना के आई हूँ, सोचा बाल सूख रहे हैं एंड स्किन केयर भी हो गया तो सोने से पहले अपनी रूम समेट लूँ और साथ साथ आपके साथ डेस्टिनी के बारे में बात कर लूँ। हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमारी मर्जी के हो, हर चीज़ हमारे हिसाब से हो, जब नहीं होता है तो डिसअपॉइंटमेंट होता है, रोना होता है। हम कभी कभी फोर्सफुली वो चीज़ें करने की कोशिश भी करते हैं, बट कभी आपने सोचा है कि आपसे भी बड़ा कोई ताकत है जो जानता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? उसको कहते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स को सब पता होता है। आपको शायद आप एक या दो एंगल से देख रहे हो, बट यूनिवर्स हर एक एंगल से देख रहा होता है। शायद इसी वजह से वो आपके साथ वो कर रहा है जो नहीं चाहते हो आप अपने साथ हो। चीज़ें अपने हिसाब से ना हो, ना दुख और परेशानी। बट जिस दिन आप यूनिवर्स के हाथों अपने आप को सरेंडर कर देंगे ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि मन का ना होना कितना अच्छा है। आप सोच सकते हैं कि इसी में हमारी बेहतरी है ना, उसको एक्सेप्ट करके चल तो सकते हैं ना। एंड कभी कभी ना अपने मन का ना ही होना अच्छा है, हमारी प्लानिंग प्लॉटिंग के हिसाब से ना होना ही अच्छा है। मैं उसकी भी वजह बताती हूँ। 2023 तक मुझे लगता था मुझे किसी और चीज़ में अपनी पीजी करना चाहिए। बाद में 2023 में रियलाइज़ हुआ कि मुझे आई एम नॉट मेंट फॉर इट। यू आर गेटिंग मी? आई एम नॉट रियली रियली मेंट फॉर इट। सो बस एंड देन अगर मैं 2022 में मुझे पीजी सीट मिल जाती तो क्या होता, आप बताओ? कि मैं वो ले लेती एंड बाद में मुझे रियलाइज़ होता, यार मैंने जो सोचा था ये वो नहीं है, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी। मैं या तो मुझे वो कोर्स मजबूरी में फिनिश करना पड़ता या फिर ड्रॉप करना पड़ता। एंड ड्रॉप करने के बाद जब सीट वेस्ट हो जाती है, आपको उसकी कॉम्पनसेशन देनी पड़ती है, प्लस घर वालों से जो ताने वगैरह सुननी होती है वो अलग। सो एंड फिर से प्रिपरेशन करना पड़ता है। एंड जब एक बार पीजी सीट मिल जाते तो नोट्स इधर उधर बिखेर जाता है, हम इधर उधर रख के भूल जाते हैं क्योंकि काम हो गया। अब वापस कुछ नोट्स मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर से बैठ के कुछ नोट्स बनाना पड़ेगा, कुछ मंगाना पड़ेगा, कुछ दोस्तों से पूछना पड़ेगा, यह सब झंझट होता ना। उससे अच्छा जब चीज़ें डिले हुई, जब मैंने अपने आप को और थोड़ा सा जाना समझा, तब समझ में आया कि चीज़ें मेरे हिसाब से ना होना ही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। क्योंकि अगर वो मेरे हिसाब से हो जाता तो शायद मुझे रिग्रेट होता बाद में। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हाँ, डेस्टिनी ने मेरे लिए जो भी सोचा है वो बेहतर सोचा है ना। अब मैं सरेंडर करना सीख गई हूँ। मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। हाँ, बट मैं अपनी तरफ से मेहनत में कसर नहीं छोड़ूंगी। ये भी नहीं बोलूँगी कि हाँ डेस्टिनी है ना वो सब कर लेगा। नहीं, मेहनत करो, अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो समथिंग बेटर सेफ है। बस जो भी है, ज़िंदगी को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। दैट्स इट। एक बार आप एक्सेप्ट कर लो एंड उसके साथ साथ चार पांच चीज़ें बोलना सीख जाओ ना, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। दैट इज़ सॉरी, थैंक यू, इट्स ओके, नेवर माइंड एंड आई एम ग्रेटफुल। एंड अगर आप इतना सा भी बोलना सीख जाएंगे ना, आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। एंड आप खुद भी शांति से जिएंगे, आपके माहौल में भी शांति बनी रहेगी, आपकी घर वाले भी शांति से जिएंगे, आप खुद भी परेशान नहीं होंगे, उन्हें भी परेशान नहीं करेंगे। आप जानबूझ के नहीं करना चाहते, पर फिर भी घर वाले तो परेशान हो ही जाते हैं ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और पसंद भी आया होगा। कैसे लगा सर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।